प्रिय देशवासियों एवं विश्व के अन्य भागों में रहने वाले संभ्रांत जनों, आजकल कोरोना वायरस से सभी भयग्रस्त हैं। यदि मनुष्य अपने अंदर दृढ़ मनोबल और परिशुद्ध आत्मबल विकसित कर लेता है तो वह भयानक से भयानक रोग को सरलता से मात दे सकता है। इस संबंध में वैदिक कालीन एक घटना है। ऋग्वेद का व्याख्या ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसकी रचना ऐत्रेय महर्षि ने की थी। उनको एक असाध्य रोग बचपन में हो गया था। चिकित्सकों ने कहा कि आप मात्र कुछ ही दिनों में देह त्याग कर देंगे। ऐत्रेय वेदज्ञ थे, समाधिस्थ थे, वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और इस दृढ़ मनोबल के बल पर वे 116 वर्षों तक जीवित रहे। ऐसी ही घटना सुनने में आती है फ्रांस के नेपोलियन की। उसे भी भयानक कैंसर था। डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम एक वर्ष से अधिक जीवित रह ही नहीं सकते हो, किंतु नेपोलियन तो कुछ और ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने दृढ़ संकल्प किया कि कैंसर मुझे मार नहीं सकता, और इस दृढ़ मनोबल के बल पर उसने न जाने कितने युद्ध जीते और कैंसर कभी भी उसको परास्त नहीं कर सका था। इस संबंध में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बार वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रयोग किया। उन्होंने एक व्यक्ति को नकली इंजेक्शन लगा दिया विष का, और उसको कह दिया कि तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति बेहोश हो गया और उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके अंदर विष का इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, किंतु उसके मन में ये बात घर कर गई कि मुझे विष का इंजेक्शन लगाया गया है और मैं जीवित नहीं रहूँगा। परिणाम यह हुआ कि उसे शरीर छोड़ना पड़ा। एक तरफ ऐत्रेय महिदास है और फ्रांस का नेपोलियन है, जो जानते हुए भी कि हमारा शरीर कुछ समय के लिए है, सोचते हैं कि मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो मृत्यु उनके पास आकर भी लौट जाती है। और दूसरी तरफ बिना विष के भी केवल भयाग्रस्त होने के कारण वो व्यक्ति मृत्यु की गोद में सो जाता है। संसार में मनोबल की विशेष भूमिका है। उपनिषदों में कहा गया है सृणंत विश्व अमृतस्य पुत्रा। हम कौन हैं? अमृत पुत्र हैं। यदि हम अमृत पुत्र हैं तो हमें इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आत्मिक बल के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें तो हम कोरोना को आसानी से हरा सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम और कपालभाति के साथ साथ अपने भोजन में हल्दी, लौंग, इलायची, तुलसी आदि का प्रयोग करें, तो निश्चय ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी। सिक्किम के अंदर एक ऐसी काली हल्दी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगी बिकती है। यदि फेफड़े में सांस लेने में परेशानी हो रही हो कोरोना वायरस के कारण या किसी भी अन्य रोग के कारण, तो उस हल्दी का नाम मात्र का सेवन, यदि 4 मटर के दाने के बराबर भी उसको चूस लिया जाए, तो निश्चित ही है कि 15 मिनट के अंदर उसे फेफड़े में राहत महसूस होती है और ऐसा लगता है कि रोग जड़ से समाप्त हो गया। इस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी सीमा तक सफल हो सकते हैं। उसके संपर्क में आने पर भी कुछ न कुछ बचाव कर ही लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा वातावरण परिशुद्ध हो। प्राचीन काल में घर घर यज्ञ करने की प्रक्रिया थी, जिसके कारण कीटाणुओं का नाश होता रहता था। आज वो परंपरा तो बहुत कम रह गई है। सांप्रदायिक मतभेदों के कारण देश के अनेक लोग यज्ञ की प्रक्रिया में विश्वास नहीं कर सकते, किंतु जो यज्ञ न भी करना चाहें वो यदि अग्नि में शुद्ध गाय के घी के साथ गिलोय, गुगुल और कपूर का हवन करें तो निश्चित रूप से रोग के कीटाणुओं को काफ़ी सीमा तक दूर किया जा सकता है और उन्हें नष्ट किया जा सकता है। हम जितनी स्वच्छता रखेंगे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से अपने मनोबल को दृढ़ बनाए रखेंगे, कोरोना के प्रति हम जितने सजग रहेंगे उतने ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैं संसार के सभी प्राणियों के लिए
निरोग्य जीवन की कामना करता हूँ और यह बात दोहराता हूँ कि सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंत माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा से सभी सुख शांति को प्राप्त करें और निरोग रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सभी देशवासी आपस में ऐसा व्यवहार करें कि वो कोरोना को आसानी से हरा सके, यही मेरी शुभकामना है।